हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये है हमारा पार्ट टू। पार्ट वन में आपको मैंने लेगो के बारे में बताया था गाइस। अब हम आपको बताएंगे चेस के बारे में। चेस के बारे में आपको बताएंगे मेरे फ्रेंड्स। अब मैं आपको हमारे फ्रेंड्स से मिलवाता हूँ। हेलो नभे, फ्रेंड संभव, हेलो कार्तिक। संभव एंड नभे आपको बताएंगे चेस के बारे में। तो बताइए, हम आपको पूरा गेम तो खेल कर नहीं दिखा सकते, इसमें गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम आपको चाले बताएंगे। इसमें एक वाइट गीटी होती है, एक ब्लैक। इसमें पहले चलती है हमेशा वाइट। तो अभी मेरे फ्रेंड्स लगा रहे हैं, आप देखिए कि ये कैसे लगा रहे हैं। इसके बारे में आपको मेरे फ्रेंड्स बताएंगे भी। सो अब मेरे फ्रेंड्स आपको बताएंगे चेस के बारे में। माय फ्रेंड नभे बताओ। देखो इन, ये है प्यादे, सबसे छोटे आगे प्यादे। ये है हाथी, घोड़ा, ऊंट, राजा और रानी। हमारे गाइस को ब्लैक में दिख नहीं रहा होगा, सो कोई बात नहीं, आप वाइट वाले में बताइए। तो गाइस ये है प्यादे, सबसे छोटे आगे प्यादे। सो गाइस आपको ब्लैक में दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हमने वीडियो को पॉज करके चेंज कर दिया। अब नभे की है वाइट एंड संभव की है ब्लैक। तो नभे बताइए। ये है प्यादे, सबसे आगे लगते हैं। ये हाथी, घोड़ा, ऊंट, रानी और राजा। राजा अगर ये जो है गाइस, हमेशा राजा और रानी अपोनेंट्स और हमारे बिल्कुल आमने सामने लगते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगते हैं। कुछ लोग गाइस हाथी को ऐसे की बजाय ऐसे भी लगा देते हैं, लेकिन हमेशा हाथी को हमें ऐसे ही लगाना चाहिए। और ऊँट का मुंह हमेशा हमें उस तरफ करना चाहिए ऐसे। और हमें गाइस मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, ऊँट को हम कैसे भी रख सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। इसे ऊँट कहते हैं और इसे घोड़े। घोड़े का मुंह हमेशा सामने होना चाहिए, वो अभी मैं आपको आगे इसलिए बताता हूँ अभी। और रानी हमेशा ऐसी होती है, क्राउन वाली रानी को यहाँ पे रखते हैं। और राजा का ऐसे प्लस का साइन होता है, इसका ताज प्लस। जो दो घोड़े होते हैं, दो घोड़ों का मुंह एक ही तरफ होना चाहिए। जैसे गाइस आप देखिए, इस घोड़े का मुंह भी इस तरफ है और इस घोड़े का भी, दोनों घोड़े का मुंह आमने सामने ही होना चाहिए। और इसमें भी हमने हाथी को ऐसे ही लगाया है। अब माई फ्रेंड संभव आपको बताएगा कि इनकी चालें बताएगा। अब संभव आपको गाइस स्टार्ट। सो गाइस अब मेरा फ्रेंड संभव आपको बताएगा इनकी चालों के बारे में। तो संभव शुरू हो जाओ। तो गाइस जैसा कि आप सबको जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, प्यादे हमेशा सीधा चलते हैं और तिरछा काटते हैं। जैसा कि ब्लैक वाला अगर यहाँ पर है तो फिर ये इस तरह से इसको काट सकता है। और हाथी हमेशा सीधा चलेगा, घोड़ा हमेशा ढाई चाल चलता है जो कि यहाँ पर आएगा, ऊँट हमेशा तिरछा चलता है और तिरछा ही काटता है, राजा हमेशा एक चाल चलता है और वो एक चाल में कहीं पर भी चल सकता है और सीधा वो कहीं से भी काट सकता है, रानी कहीं पर भी चल सकती है, तिरछा भी, सीधा भी और कैसे भी चल सकती है रानी। और वापस से घोड़ा आ गया और हाथी का मैंने आपको बताई थी। पर हाथी हमेशा ऐसे सीधा ही काटता है, जैसे अब हमारे अपोनेंट का है हाथी, तो ये हाथी अपोनेंट का है सपोज, तो ये घोड़े को ऐसे ही काट सकता है, ये सीधा काट सकता है हाथी और सीधा ही चल सकता है।
और चले सीधा आप दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि इस तरह से भी और इस तरह से भी। सो गाइस अब हम चेस को पैक करते हैं और अब हम सो गाइस अब मैं और मेरा फ्रेंड नभे आपको बताएंगे झींगा के बारे में, उसके बाद बिजनेस के बारे में बताएंगे आपको मैं मेरा फ्रेंड कार्तिक। तो चलिए अब हम झींगे के बारे में बताते हैं गाइस। सो गाइस अब मैं और मेरा फ्रेंड नभे आपको बताएंगे झींगा के बारे में। तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो हम इससे खेलते हैं इसमें पहले हमें इसमें बड़े मिलते हैं लेकिन हमने छोटे लिए हैं। इसमें पहले ऐसे एक मिनट पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या करते हैं। इसमें पहले एक हम ऐसे रखते हैं तीन बना के, एक ऐसे, उसके बाद हम ऐसा थ्री और बनाते हैं। लेकिन हम इसके ऊपर ऐसे बिल्डिंग बना तो देते हैं लेकिन ऐसे नहीं, इसे ऐसे रखते हैं। सो ऐसे, और अब हम इसे पूरा बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। बस हम एक ही बारी चल के आपको बता देंगे कि इसे कैसे चलते हैं। सो गाइस हमने पूरा बना लिया है। हमें ना गाइस इसके बीच में समझ, थोड़ा सा कैमरा पास ही आइए, इसके जो बीच में आपको दिख रहे हैं पीसेस, हमें इसको बिना ग्राइंड निकालना है। देखिए माय फ्रेंड नभे आपको निकाल के दिखा रहा है, नभे ने ये निकाला है देखिए। अब हमें इसे ना दोबारा से ऊपर ही रख देते हैं, और जिससे ये गाइस पूरा गिर गया तो उसे अकेला बनाना पड़ेगा, ये रूल होता है। सो बस मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ गाइस, उसके बाद हम इसे निकाल देंगे गाइस, तो हम आपको बताएंगे बिजनेस के बारे में। सो गाइस अब हम इसे रख देते हैं। सो गाइस अब हम बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे। अब हम उठा रहे हैं बिजनेस, तो कार्तिक उठाओ। सो गाइस इसके अंदर आपको मिलते हैं रुपीस। अगर बाय चांस आपका बिजनेस का बोर्ड फट जाता है तो आप उसकी कार्ड थ्रो कर दीजिए चाहे, बट उसकी गीटियाँ और कॉइंस थ्रो मत करिएगा। देखिए इससे कितने सारे रुपीस है। सो इसके अंदर एक दो प्लेयर होते हैं और एक वन बैंकर होता है और एक बुक पढ़ता है। सो गाइस इसमें अभी हम आपको बताते हैं, हमारे इसमें बैंकर है नभे। सो नभे आप पहले ले लीजिए। सो अब हम इसके अंदर टिकी कर लेते हैं डिसाइड। सो गाइस मैंने गिटी ली है ब्लू। कुछ लोग इसमें टू डाइस का यूज़ करते हैं गाइस, कुछ लोग इसमें टू डाइस का यूज़ करते हैं, लेकिन हम बस वन डाइस का यूज़ करते हैं। तो जिस चीज़ का काम नहीं होता गाइस उसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। मैं इसके अंदर कार्ड निकाल लेता हूँ। ये हमारा वन एक्स्ट्रा कार्ड होता है कि अगर हमारा वन कार्ड ख़राब हो जाए या फिर खो जाए तो उसके ऊपर कार्ड बना सकते हैं स्केच पेन से। मैं तो कोई भी कार्ड नहीं खोया है। और गाइस ये अभी मेरा बहुत पुराना हो चुका है इसलिए ये हल्का सा फटा हुआ है, इसका जो ये है इससे कुछ नहीं होता। लेकिन सो गाइस मैं ले रहा हूँ ब्लू, कार्तिक आप क्या लोगे? ऑरेंज। ओके कार्तिक ने लिया है ऑरेंज। हम इसे रख देते हैं स्टार्ट पे गाइस। सो हमारा बैंकर है नभे प्लीज़ पैसे बांट दीजिए। देखो दोनों प्लेयर्स सभी प्लेयर्स को 250 के मिलते हैं, 200 के, 2 500 के, 2000 के, 2 5000 के और 2 10000 के। सबको वैसे 2-2 मिलते हैं, लेकिन अगर आपके इसका रूल है कि 2-2 मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा रुपीज़ हैं तो आप कितने भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सो अब हम आपको खेल कर बताएंगे। अभी जो है बहुत कुछ है इसलिए आप आगे मत कीजिएगा प्लीज़। सो फर्स्ट चांस मेरी है,
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गाइस कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स में अभी ये हमारे पास पूरी पैकिंग के साथ आते हैं, लेकिन मैंने हटा दिया और इसे लॉक वाली पन्नी में रख लिया है। इसका एक्स्ट्रा कार्ड है, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। आप ऐसे गीटी का बॉक्स बना सकते हैं कि बाई चांस अगर इसका फट गया कवर बॉक्स आपका, तो आपकी ये सारे रुपीस खो जाएंगे। इसलिए मैंने उसका बॉक्स थ्रो कर दिया और इसके अंदर गीटियाँ डाल ली। तो इसके अंदर यहाँ पर स्टेट्स लिखी हुई हैं, इनके सारे कार्ड्स और इनके रेंट्स हैं। सो गाइस इसके अंदर कलर्स भी होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट कलर है ग्रीन, पहले मैं सारे ग्रीन, और इसके बाद है हमारा वाइट, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड गाइस, उसके बाद है हमारा ब्लू। तो मैं पहले सारे के सारे अरेंजमेंट कर लेता हूँ। सो गाइस हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे हमारा पार्ट थ्री। हमारा पार्ट थ्री भी हम अभी और आज ही बनाएंगे। अब मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। सो गाइस हम बिल्कुल ऐसे ही सेट रहने देंगे, बस हम कार्ड सेट कर लेंगे, फिर हमारा होगा पार्ट थ्री स्टार्ट। ओके बाय गाइस, बाय। पार्ट थ्री में मिलते हैं।